हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस, जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नामित किया है PB सिंधु को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए, एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ये है हिमा दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, जो भारत की रैंकिंग है वो है 129वां रैंक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.5% से घटाकर ये कर दिया है 5.1%। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में ये अबू धाबी को जो है चयनित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को ये कहा जाता है आरक्षी महानिदेशक यानी SP कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, सागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ये है NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो है डेविस जल संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है सुनील सेट्टी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है,
एल्केन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2 जो है ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से ये सम्मानित किया गया है इथोपिया प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु या फिर अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो देखिए सिखों के 10वें गुरु या फिर अंतिम गुरु जो है इनका जन्म ये हुआ था सन 1966 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2021 में ये आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को पहली बार कब लूटा था? तो देखिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को पहली बार ये लूटा था 1025 ईस्वी में। ठीक है, और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा था, तो ये लूटा था 17 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व खाद्य दिवस ये प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए संसद के संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए चौड़ाई का अनुपात 2 फीट होता है और लंबाई का अनुपात 3 फीट यानी 2:3 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी? तो देखिए शिवाजी को राजा की उपाधि ये दी थी औरंगजेब को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राइन नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1233 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो देखिए चीन का शोक जो है ये कहा जाता है हंगाहो नदी को। ठीक है, और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए बंगाल का शोक ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो देखिए शीत मरुस्थल ये कहा जाता है
टुंड्रा प्रदेश को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 2800 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।